नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने हंग्री स्पिरिट्स चैनल में। तो दोस्तों, रूपसा की बातें हम और आप बहुत करते हैं। मैं अपने वीडियो के जरिए करती हूँ और आप अपने कमेंट्स के जरिए करते हैं और बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है रूपसा की। तो मैंने सोचा रूपसा तो अपने डांस के जरिए अपनी बातें बोलती ही है, तो हमारा भी कुछ फर्ज है कि हम भी थोड़ी और मेहनत करें और जाने रूपसा के बारे में। और वही मैंने किया, थोड़ी सी और रिसर्च मारी रूपसा के बारे में और बहुत सारी बातें सामने आई। 6 साल की उम्र में इतनी सारी बातें बहुत हैरानी वाली बात है, तो उसी पे चर्चा करते हैं। मगर उससे पहले आपसे ये गुजारिश की आप लोग कीजिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक भी नहीं किया है। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि उसके बाद ही आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. शुरुआत करते हैं रूपसा के जन्म से। जी हाँ दोस्तों, 6 साल की रूपसा का जन्म 2012 में हुआ था एक मिडिल क्लास ब्राह्मण फैमिली में। तो दोस्तों उसके बाद बात करते हैं कि जो रूपसा पढ़ने में कैसी है। रूपसा पढ़ने में ठीक ठाक है, बहुत इंटेलिजेंट नहीं है, मगर उनको डांस का इतना शौक है कि उनकी मम्मी को ये सोचना पड़ा कि ये लड़की इतना डांस में शौक रखती है तो इसको डांस में ही लेके जाना चाहिए। तो पढ़ाई में रूपसा एवरेज है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो डांस का शौक है रूपसा को, ये इतना बड़ा मम्मी ने उस चीज को देखा, ये बहुत ही यूनिक बात है एक पेरेंट्स के लिए। ये बहुत ही बढ़िया बात है कि कोई नहीं, तो नॉर्मली क्या होता है, इतने छोटा बच्चा जो डांस करता है तो नॉर्मली पेरेंट्स उसका शौक समझते हैं या कभी कभी उसकी पिटाई कर देते कि डांस कर रहा है, पढ़ाई कर, ये वो सारा कुछ। मगर रूपसा की मम्मी ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने रूपसा की इस डांस को इतना ज्यादा समझा, इतना ज्यादा एनकरेज किया कि वो डांस लेके आगे कहां पे रूपसा को लेके आई, सुपर डांसर चैप्टर 3 के मंच के ऊपर। और रूपसा इतनी टैलेंटेड थी कि उन्होंने जजेस का दिल जीत लिया और आज हम सब जानते हैं रूपसा कहाँ पे खड़ी है। तो ये है रूपसा जो ऑडिशन के बाद यहाँ पे आज जो फाइनलिस्ट में गिनी जा रही है रूपसा। तो ये है रूपसा का डांसिंग का सफर। उसके बाद बात करते हैं कि उनके पेरेंट्स के बारे में। तो रूपसा अपने पेरेंट्स की इकलौती औलाद है और मम्मी का नाम शिवानी है। आपने अब इतनी बार तो बातें होती रहती, वो तो पता ही होगा, मम्मी का नाम शिवानी है। और वो रूपसा के जो फादर है उनकी ज्यादा बात नहीं होती है, इसलिए यही समझा जा सकता है कि रूपसा जो है अपनी मम्मी से ही ज्यादा नजदीक है, क्योंकि मम्मी उनके साथ दिखाई देती है, फादर के बारे में ज्यादा बातें नहीं करती हैं। तो रूपसा की जो मम्मी है उन्होंने एक राज खोला है दोस्तों कि शो में ये आने के बाद कि रूपसा जो शो में अभी आई है अब रूपसा अलग है। जब रूपसा शो में नहीं थी यानी सुपर डांसर चैप्टर 3 के मंच पे या वो सब चीजें जो अभी रूपसा रिहर्सल कर रही है और मिल रही है बाकी कंटेस्टेंट के साथ, बातें कर रही है, हंस रही है, वो सब चीजें हो रही, बट उनकी मम्मी का कहना है कि रूपसा पहले ऐसी नहीं थी, वो बहुत ही शाई थी, बात ही नहीं करती थी, इतनी बार बोलने के बाद भी रूपसा बहुत मुश्किल से बात करती थी, तो वो शाई रूपसा से अब बहुत ही हाई रूपसा हो गई है। तो ये उनकी मम्मी का कहना है। फिर बात करते हैं कि रूपसा को इस मंच पे जो उनका पहला मंच है, ये रूपसा का पहला मंच है, 6 साल की उम्र में पहला ऐसा मंच जहां से आगे कोई ऐसा निशान नहीं है जो रूपसा पार नहीं करेगी, रूपसा के लिए सब एंट्रीज ओपन है। तो इस पहले मंच पे रूपसा को क्या क्या खिताब मिले। रूपसा को क्वीन ऑफ ठुमकास कहा गया, रूपसा को लिटिल एंजल कहा गया, रूपसा को डांस की गुड़िया कहा गया। तो साथ में ये भी कि जो शिल्पा ने कहा कि शिल्पा ने यहाँ तक कह दिया कि जैसा ये बच्ची डांस करती है हमारी तो ये मतलब हमें शर्म आनी चाहिए, इनफैक्ट ये उन्होंने शेम शब्द का यूज किया था शो के अंदर। तो ये रूपसा का ये जो जलवा है ये हम देखते आ रहे हैं और ये सब बातें उसी जलवे में से निकल रही हैं। फिर बात करते हैं कि इतनी छोटी सी उम्र में रूपसा ने ये कमाल किया है दोस्तों कि अब जैसे हम सोचते हैं कि 6 साल का बच्चा है, वो 6 साल का बच्चा है और वो क्या क्या चीजें कर सकता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि बच्चे खेलते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल की एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, वो सब चीजें करते हैं, मगर रूपसा 6 साल की उम्र में ही कमाई कर रही है। रूपसा को भी शायद नहीं पता होगा क्योंकि जो वो शो कर रही है, जो सुपरस्टार जो सुपर डांसर का शो कर रही है, उसमें उसको पर डे का 10 to 12,000 मिल रहा है। यानी कि रूपसा एक
अर्निंग बेबी है, तो वो 10 to 12,000 डेली के कमा रही है, जो कि उनके घर की जरूरत भी है, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली से है और उस फैमिली में पैसे की बहुत जरूरत है। तो यहाँ पे हम ये नहीं सोचेंगे कि रूपसा बहुत मतलब ऐसा कुछ कर रही है जो नहीं करना चाहिए, मैं ये बोलूंगी कि उसमें टैलेंट है, उस टैलेंट को बढ़ावा मिल रहा है इस मंच के ऊपर और साथ में उनके घर की जरूरतें भी पूरी हो रही है। ये बहुत ही बढ़िया बात है इस चैनल की, जो ये चीजें हो रही है कि वो बच्चा जो है ना सिर्फ अपनी माँ के साथ वहां पे बैठा है अपने टैलेंट के लिए, वो सब चीजें कर रहा है, टैलेंट का तो उसके रास्ते बहुत सारे खुल ही गए हैं, साथ में उनके जो बेसिक नीड्स हैं वो भी पूरी हो रही हैं सुपर डांसर मंच के थ्रू। तो ये रूपसा तो बहुत ही बढ़िया सा अमाउंट कमा रही है दोस्तों। तो उसके बाद बात करते हैं कि रूपसा का आपने जगह शुरू से ये शो देखा सुपर डांसर चैप्टर थ्री में, तो एक डायरेक्टर आए थे, उनकी इंडस्ट्री का नाम था स्टेप इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड से सुनील तयाल, ये आए थे। तो ये इनके डांस से इतने खुश हो गए रूपसा के डांस से कि इन्होंने ये कहा कि रूपसा की एजुकेशन और डांस की ट्रेनिंग मैं स्पॉन्सर करूंगा। ये वन ऑफ द डायरेक्टर है उस कंपनी के कि मैं इसका पूरा स्पॉन्सरशिप लेता हूँ, जहां तक रूपसा पढ़ना चाहे पढ़े, जितनी ट्रेनिंग डांस की लेना चाहे ले, मैं उसके लिए सारा फाइनेंस अरेंज करूंगा। इतने इमोशनल हुए सुनील जी कि उन्होंने यहां तक बोल दिया कि मैं रूपसा का कन्यादान भी करना चाहूंगा। बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों कि इस बच्चे ने इतना प्यार कमाया है हर एक बंदे से, हर एक लोगों से, तो ये है रूपसा का प्यार जो उसने लिया है और सुनील जी ने ये कमिटमेंट किया, तो रूपसा का फ्यूचर एकदम से सिक्योर लग रहा है मुझे। तो उसके बाद बात करते हैं आखिर में बहुत इम्पोर्टेंट बात कि रूपसा हम कर रहे हैं, पर रूपसा का एक और नाम है दोस्तों, और वो नाम क्या है, उसका नाम है तनु। तो रूपसा को तनु के नाम से भी जाना जाता है, उनका निक नेम है तनु। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है जो मैंने इकट्ठी की है और भी इकट्ठा कर रही हूँ, क्योंकि मुझे है कि शो जब तक चल रहा है तब तक मैं जितनी ना सिर्फ रूपसा बाकी बच्चों के बारे में भी पता करूँ कि बच्चे इतने टैलेंटेड है, वो पीछे से किस बैकग्राउंड से आए, कहीं प्रेशर में तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं वैसा तो नहीं है, तो वो सब चीजें अभी तक तो कुछ नहीं लगा, अभी तक तो यही लग रहा है कि बच्चे टैलेंटेड है और उनको बहुत ही बढ़िया मंच मिला है और ऐसा ही होगा आगे भी। तो वेट कीजिए बाकी बच्चों के लिए भी, रूपसा के लिए भी, और इन्फॉर्मेशन मैं इकट्ठी करूंगी, क्योंकि सबसे हैरानी हुई बात मुझे क्या लगी दोस्तों, जब मैंने इसके लिए रिसर्च करना शुरू किया रूपसा के लिए, तो मुझे विकिपीडिया पे पेज मिल गया, मैं इतनी हैरान हुई उसे बायोग्राफी लिखा होता कि 6 साल के बच्चे की बायोग्राफी, बाप रे बाप, लोग वीडियो भी डाल रहे हैं बायोग्राफी लिख के, बट मुझे बड़ी हैरानी होती है कि 6 साल भी तो मतलब बच्चा है भाई, अभी बायोग्राफी तो बड़ों बड़ों की होती है, तो मेरे माइंड में ये विजन था बायोग्राफी को लेके, मगर ये विजन रूपसा ने मेरा चेंज कर दिया, क्योंकि इस लेवल पे ये बच्ची काम कर रही है कि अच्छा भी लगता है और बहुत 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 ऐसा फील होता है, गर्व फील होता है कि हम अगर जब 6 साल के तो हम क्या करते थे और ये बच्चे कहां पे क्या कर रहे हैं। तो ये था मेरा कहना आप लोगों से, ये था रूपसा के बारे में जो ज्ञान मैंने बटोरा है, जो जानकारी मैंने बटोरा है। आप भी कीजिए थोड़ी सी मेहनत और मुझे भी बताइए कि क्या क्या चीजें हैं जो रूपसा के बारे में आपको पता है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, और टिल देन कीप वॉचिंग हंगरी स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.